ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो अक्षु भी आ गई है, हम सब भी यहीं हैं, बात कर लेते हैं। अब बता भी दो, ऐसी क्या आफत आ गई थी जिसके लिए मुझे तुरंत वापस बुलाया है तुमने? कब से मौन धारण किए हुए स्वर्णा, दिल घबरा रहा है, बता भी दे क्या बात है। हाँ, अक्षु से रिलेटेड कोई बात है क्या? स्वर्णा, किसी मुहूर्त का वेट कर रही हो? मुहूर्त नहीं हुआ तुम्हारी बात बताने का अब तक? सब लोग हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। मनीष जी आप बैठ जाइए ना, मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। अरे इतना सस्पेंस बिल्डअप क्यों है भाई, जो बात है बता के छुट्टी करो। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको झटका लगने वाला है, आप प्लीज बैठ जाइए ना। अरे नहीं बैठना, मुझे बात बताओ, चलो शुरू करो। आरु एक लड़के को प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो बात आप में से कोई नहीं जानता वो ये है कि उस लड़के का नाम है नील बिरला। क्या तुमने कह दिया और सबने सुन लिया? एक बात कान खोलकर सब सुन लें, ये नाम आज के बाद इस घर में कभी दोबारा नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे बड़े भाई नील, तुम इन पे आग बंद करके भरोसा करती हो ना? सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे अभिमन्यु भाई एक तरफ, तो पूछो इनसे क्या किया है इन्होंने और क्यों किया है। Inconvenience is regretted. मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे और नील के रिलेशनशिप की बात इस तरह सबके सामने आए। पर अब जो है वो सब सामने। मेरी बातों पर कभी कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम खुद ही देख लो नहीं कि तुम्हारे बिग बी ने हमारे प्यार की क्या कीमत लगाई है, हमारे प्यार की, हमारे इमोशंस की, हमारे फीलिंग्स की। मैंने अपना सच सबके सामने कह दिया है, अब आपको जो भी पूछना है आप प्लीज इनसे पूछिए। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मांग के या छीन के। मैं क्या भाई, आपने सोचा भी कैसे ऐसा करने का? मैंने आपको अपना फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर समझा था। मुझे लगता था कि जो बात मुझे समझ नहीं आएगी ना वो आप मुझे समझाएंगे, और आपने क्या किया, कीमत लगा दी मेरे प्यार की। आप चाहते हैं कि आरोही आपका ऑफर लेटर लेके न्यूयॉर्क चली जाए। मैं जानता हूं कि आपके और अक्षरा भाभी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप बहुत अफेक्टेड हैं, लेकिन प्यार तो आपने अपनी मर्जी से किया था ना, किसी को पूछ के, किसी को बता के तो नहीं किया था। आपको प्यार करने का हक है और मुझे नहीं है। आपने ना अपने टाइम पे घर, फैमिली सब कुछ छोड़ के आप अक्षरा भाभी के पीछे लग गए थे, और मैंने क्या किया था, मैंने आपको सपोर्ट किया था, आपके प्यार पे सवाल नहीं उठाए थे, तो आप अब मेरे प्यार पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपका प्यार प्यार और मेरा प्यार गलती। नील मेरी बात नहीं, बात करनी आया था मैं आपसे। मैंने आपको समझाया था कि मैं आरोही से कितना प्यार करता हूँ, मैंने ये भी समझाया था कि वो बदल चुकी है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात पे भरोसा नहीं किया ना, अब क्या बात करूं मैं आपसे? पहले तो शांत हो जा, काम करो। नो,
आपको ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था आपको ये, आपको ये नहीं करना चाहिए था भाई। नील क्या कर रहा है तू? इस तरह अभिमन्यु में चिल्लाने से तेरा गलत सही नहीं हो जाएगा। और पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ आरोही मिली थी प्यार करने के लिए। आरोही को हमने बिरला हॉस्पिटल में जॉब दी थी, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर की बहू बनेगी। इन दोनों बहनों ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है। दोनों बहनों ने दोनों भाइयों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। यहाँ पे अक्षर अभिमन्यु का ड्रामा खत्म नहीं हुआ था कि इसका नया शुरू हो गया। भाई आप मेरे मैटर में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? तेरा बड़ा भाई हूं, क्यों ना बोलूं मैं? बात भाई शांत, तू मुझे मत बता कि क्या बोलना है और कब बोलना है। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आरोही के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कितनों के मुंह बंद करेगा तू? अबे सबको बता कितनी मतलबी लड़की है वो। अभिमन्यु मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं बीच में मत आना। तब्देश नील बहुत हो गया, ये हाथापाई कब से शुरू कर दी तुमने? तुम्हें बात करना है ना, मुंह से बात करो, हाथ से नहीं। सिर्फ मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा ना भाई। और अक्षर भाभी समझ ही नहीं रहे हैं। भाभी आरोही को गलत साबित करने की कोशिश कर रही है, भाई आरोही को न्यूयॉर्क भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात और मेरा प्यार कोई समझ ही नहीं रहा। नील वो इसलिए क्योंकि परवाह है तेरी, फिक्र है। नहीं होती ना तो बॉदर नहीं करता, कॉन्ग्रेचुलेट करके आगे बढ़ जाता। नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा भाई होना तेरा, छोटा भाई है ना तू मेरा। तू भूल गया लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कि आरोही क्या है, कौन है, अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकती है वो। मैं कुछ नहीं भूला हूँ भाई, बट आई विश कि आप पास भूल के प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर सकते कि आरोही बदल चुकी है। और अगर वो नहीं बदली होती ना तो वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट पे बैठी होती, घर आके जॉब ऑफर लौट आती नहीं। नील उसने क्या किया यहाँ आके? इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, भाइयों को लड़वा दिया। अगर वो ऑनेस्ट होती ना, सिंसियर होती तो अकेले में तुझसे बैठ के बात करती, यहाँ आके ढिंडोरा पीट के ब्रॉडकास्ट नहीं करती। वाह भाई वाह, आप जो करो वो सब सही है और वो जो करे वो सब गलत है। आप क्या चाहते हैं कि जैसे भाभी आपसे दूर हो गई है, मेरा ब्याह भी मुझसे वैसे ही दूर हो जाए? आप चाहते हैं कि जो हाल आपका है अभी लाइफ में, मेरा भी हाल वैसा ही हो जाए? नहीं, मैं यही तो नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तेरा भी वही हाल हो जो मेरा हुआ है। यार अगर सच्चा होना तो लाइफ बन जाती है, लेकिन अगर गलत हुआ ना तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। मुझे ये सब नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता है कि अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना तो आपको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर किसको समझाओगे ये सब? किसको? क्या बोल रहा है तू? क्या करेगा तू? हाँ क्या बोल रहा है, कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा? अभी तक मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, पर अगर आप लोगों ने मेरा और आरोही का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया ना तो दिमाग के साथ साथ और बहुत कुछ खराब हो जाएगा। बस नहीं, बस इनफ हो गया। सॉरी पर मैं आज अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। नील तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना, मत मान। लेकिन मेरे इंटेंशंस पे डाउट मत कर, छोटा भाई है तू मेरा, मुझे फिक्र है तेरी, परवाह करता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुझसे, इसलिए कर रहा हूँ ये सब। फिक्र है ना आपको मेरी? एक फेवर कीजिए और मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। आपके बड़े भाई होने पे और प्यार के नाम पे ना आप मेरे आगे खड़े रहेंगे और आपकी परछाई में मैं खो जाऊंगा, तो प्लीज साइड हो जाइए और मुझे मेरे हिस्से की सनशाइन लेने दीजिए। ये रिश्ता क्या कहे।